फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्भ रक्ताणु कोरकता, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता एक ऐसी स्थिति है गर्भावस्था की जिसमें आरएच कारक जो है वो संतान उत्पत्ति में अपना योगदान देता है। अब आरएच कारक का संतान उत्पत्ति में क्या योगदान है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो डिस्कस कर रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो आरएच कारक व संतान उत्पत्ति, आरएच कारक व संतान उत्पत्ति यानी आरएच कारक का संतान उत्पत्ति में क्या योगदान है उसको हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि वैवाहिक दंपत्ति की चार स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति, आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएच पॉजिटिव स्त्री से हो जाए। दूसरी स्थिति, आरएच नेगेटिव पुरुष का विवाह आरएच नेगेटिव स्त्री से हो जाए। तीसरी स्थिति, आरएच नेगेटिव पुरुष का विवाह आरएच पॉजिटिव स्त्री से हो जाए। और चौथी स्थिति, आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएच नेगेटिव स्त्री से हो जाए। तो ये जो चौथी स्थिति है जिसमें आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएच नेगेटिव स्त्री से हुआ है, ये स्थिति संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है यदि वह संतान आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाली हो जाए, तब ये स्थिति थोड़ी भयावह हो जाती है, थोड़ी भयानक हो जाती है। तो चौथी स्थिति जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही अपने को ध्यान रखनी है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है, जब पुरुष आरएच पॉजिटिव हो तथा स्त्री आरएच नेगेटिव हो और पहली संतान जो होनी है वो आरएच पॉजिटिव हो जाए, पहली संतान आरएच पॉजिटिव हो जाए। आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। तो यदि आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएच नेगेटिव स्त्री से हो जाए और इससे जन्म लेने वाली संतान पहली संतान आरएच पॉजिटिव हो, तो पहली संतान तो सामान्य हो जाती है, परंतु दूसरी संतान भी यदि आरएच पॉजिटिव ही हो तो उसके लिए यह स्थिति घातक हो सकती है। यानी पुरुष है आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला, अब मेन बातें इसमें पुरुष आरएच पॉजिटिव, स्त्री आरएच नेगेटिव, पहली संतान आरएच पॉजिटिव हो तो वो तो सामान्य होगी, पर यदि दूसरी संतान भी आरएच पॉजिटिव हो गई तो वो सामान्य नहीं होगी। तो इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, यहाँ क्या स्थिति बनती है ऐसी कि दूसरी संतान पर संकट उत्पन्न हो जाता है, दूसरी संतान के लिए यह घातक हो जाती है। तो अब डिस्कस करें हम आरएच पॉजिटिव पुरुष व आरएच नेगेटिव स्त्री से पहली संतान जब आरएच पॉजिटिव हुई, आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव स्त्री से पहली संतान आरएच पॉजिटिव, तो ये देख रहे हैं हम कि आरएच पॉजिटिव पुरुष है, आरएच नेगेटिव स्त्री है और जो भ्रूण बना हुआ है उसके गर्भाशय के अंदर रेड राउंड मैंने उसके राउंड लगाया है, वो भ्रूण आप देख सकते हैं, वो भ्रूण जो है वो आरएच पॉजिटिव दिखाया हुआ है, ये रहा भ्रूण आरएच पॉजिटिव। अब जब भ्रूण आरएच पॉजिटिव है तो कॉमन सी बात है, भ्रूण के अंदर आरएच एंटीजन है, आरएच प्रतिजन है भ्रूण के अंदर, आरएच पॉजिटिव के प्रतिजन है, और ये आरएच पॉजिटिव प्रतिजन प्लेसेंटा को पार करके मादा के शरीर में जा रहे हैं, माँ के शरीर में पहुंच रहे हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहे हैं। आप देखें ब्लू कलर के जो डॉट दिखाए हुए हैं इसमें, वो आरएच एंटीजन है और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ के शरीर में जा रहे हैं। प्लेसेंटा वो संरचना होती है
जिससे भ्रूण माँ के शरीर से पोषण प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा आंवल बोलते हैं हम, जनरली आंवल बोला जाता है प्लेसेंटा को। तो अपरा आंवल प्लेसेंटा एक ही चीज है। तो आरएच प्रतिजन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ के शरीर में पहुंच रहा है, लेकिन माँ जो थी वो स्वयं आरएच नेगेटिव थी। अब आप सोच सकते हैं जब आरएच पॉजिटिव प्रतिजन आरएच नेगेटिव में एंटर कर जाएगा तो आरएच नेगेटिव लेडी के अंदर प्रतिरक्षी बनने शुरू हो जाएंगे, आरएच कारक के प्रति प्रतिरक्षी बनने शुरू हो जाएंगे, आरएच प्रतिरक्षी एंटी आरएच प्रतिरक्षी वहां बनने लग जाएंगे। तो आगे और क्लियर करें अपने, तो पहली संतान यहां बिल्कुल सामान्य होगी लेकिन मां के शरीर में एंटी आरएच प्रतिरक्षी उत्पन्न कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं आरएच पॉजिटिव थी, आरएच पॉजिटिव थी तो उसमें आरएच पॉजिटिव वाले प्रतिजन थे, ये आरएच पॉजिटिव वाले प्रतिजन जो थे वो माँ के शरीर में पहुंच गए, माँ के शरीर में पहुंचने के बाद वहां एंटी आरएच प्रतिरक्षी बनने शुरू हो जाएंगे। अब और क्लियर करें अपने, तो पहली आरएच पॉजिटिव संतान जो होगी वो बिल्कुल सामान्य होगी। तो देख सकते हैं हम लोग प्रथम आरएच पॉजिटिव संतान जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ग्रो कर रही है गर्भाशय के अंदर। पहला भ्रूण जो आरएच पॉजिटिव है वो गर्भाशय के अंदर बिल्कुल सामान्य वृद्धि कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गर्भाशय के अंदर वो संतान जो है पहली संतान बिल्कुल सामान्य वृद्धि कर रही है। ये आरएच पॉजिटिव फिटस था, पहला जो भ्रूण था वो आरएच पॉजिटिव था और ये बिल्कुल सामान्य ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ ये भ्रूण कर रहा है। लेकिन ये भ्रूण करेगा क्या देखें हम, तो पहली आरएच पॉजिटिव संतान से माता में बने आरएच एंटी आरएच प्रतिरक्षी, तो पहली आरएच पॉजिटिव संतान जो होगी उसके जो प्रतिरक्षी हैं वो प्रतिजन है आरएच पॉजिटिव प्रतिजन, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आप देख सकते हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से मैंने पहले भी बताया आपको ये प्लेसेंटा को यहाँ से क्रॉस करके माँ के शरीर में पहुँच गए हैं। तो जैसे ये आरएच प्रतिजन माँ के शरीर में पहुँचते हैं तो माँ के शरीर में एंटी आरएच प्रतिरक्षी बनने लग जाती है, एंटी आरएच प्रतिरक्षी, ये जो वाई शेप की दी हुई है तो एंटी आरएच प्रतिरक्षी बन गई जो वाई शेप की दी हुई है। तो पहली संतान तो सामान्य हुई लेकिन उसने किया क्या, उसने माँ के शरीर में एंटी आरएच प्रतिरक्षी उत्पन्न कर दिए। अब दूसरा डायग्राम आप देख सकते हैं प्रथम संतान के जन्म के बाद क्या हुआ, तो प्रथम संतान के जन्म के बाद वहाँ एंटी आरएच प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए हैं। तो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमारे को, प्रथम संतान के जन्म के बाद वहाँ एंटी आरएच प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए। ये वाई शेप के जो प्रतिरक्षी हम देख रहे हैं माँ के शरीर के अंदर, ये एंटी आरएच प्रतिरक्षी हैं जो पहली संतान के जन्म के बाद माँ के शरीर में बन चुके हैं। अब ये एंटी आरएच प्रतिरक्षी माँ के शरीर में बने हुए हैं, अब यदि दूसरी संतान भी आरएच पॉजिटिव हो गई तो वो जो माँ के शरीर में एंटी आरएच प्रतिरक्षी बने हुए हैं वो उस संतान के आरएच प्रतिजन से क्रिया कर जाएंगे। अब आप देखें पहला चित्र जिसमें एंटी आरएच प्रतिरक्षी बने हुए हैं और दूसरे चित्र में सेकंड प्रेगनेंसी दिखाई हुई है और वो सेकंड प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव ही है। देखें आप पॉजिटिव है यानी इसमें भी आरएच प्रतिजन है। अगर ये नेगेटिव होती फिर कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि उसमें आरएच एंटीजन होता ही नहीं। अगर ये नेगेटिव होती संतान तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन यदि दूसरी संतान भी दूसरा भ्रूण भी आरएच पॉजिटिव हो गया तो ये जो माँ के शरीर में प्रतिरक्षी बने हुए हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस भ्रूण के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, उस भ्रूण में प्रवेश कर जाएंगे और भ्रूण में जाने के बाद वहां प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया शुरू हो जाएगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया शुरू हो जाएगी जिससे भ्रूण की जो आरबीसी है, भ्रूण की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका स्कंदन सम्मोहन शुरू हो जाएगा, वो एक दूसरे से जुड़नी शुरू हो जाएंगी, रक्त स्कंदन शुरू हो जाएगा जिससे हो सकता है ये भ्रूण यहीं समाप्त हो जाए, या यदि ये भ्रूण होगा तो उसकी आरबीसी जो होती है वो बिल्कुल स्कंदित हो चुकी होती है, एनीमिया रोग से ग्रसित होता है, वो बहुत भयानक स्थिति होती है, पीलिया रोग बहुत ज्यादा पीलिया होता है उस बच्चे को जब वो जन्म लेता है। तो ऐसा क्यों, देखो एक बार फिर क्लियर कर लें, पहली संतान पहली तो स्थिति क्या है, पुरुष आरएच पॉजिटिव है, लेडी आरएच नेगेटिव है, मेल जो है वो आरएच पॉजिटिव है और फीमेल जो है वो आरएच नेगेटिव है,
और पहली संतान जो जन्म ले रही है वो आरएच पॉजिटिव है। अब उस आरएच पॉजिटिव संतान के अंदर आरएच पॉजिटिव वाले एंटीजन थे, तो उन आरएच पॉजिटिव वाले एंटीजन ने क्या किया, प्लेसेंटा से क्रॉस होकर वो माँ के शरीर में पहुंचे और माँ के शरीर में वहाँ एंटी आरएच प्रतिरक्षी बननी शुरू हो गई। आईजीजी से डिनोट किया जाता है, एंटी आरएच प्रतिरक्षी जो होती है आईजीजी। टोटल 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती है जिसमें ये जो प्रतिरक्षी बनती है वो आईजीजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, आईजीजी एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में जा सकती है, एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है ये। बाकी तो बहुत सारी प्रतिरक्षी होती है, आईजीए भी होती है, आईजीडी भी होती है, आईजीई भी होती है, आईजीएम भी होती है और आईजीजी होती है। खैर वो डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ जो प्रतिरक्षी बनी है एंटी आरएच प्रतिरक्षी, इसका अगर प्रकार हमारे से पूछ लेता है तो ये आईजीजी प्रकार की प्रतिरक्षी है और ये एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है। ये जो प्रतिरक्षी उत्पन्न हुई है यहाँ एंटी आरएच प्रतिरक्षी, इसका प्रकार आईजीजी है और ये एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में पहुंच जाती है। और यदि द्वितीय भ्रूण भी आरएच पॉजिटिव हुआ तो ये प्रतिरक्षी उसके प्रतिजन से क्रिया कर जाती है जिससे भ्रूण की आरबीसी का स्कंदन होने लग जाता है या फिर आरबीसी नष्ट होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में जब भ्रूण की आरबीसी का स्कंदन होगा तो वो भ्रूण वही समाप्त हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अथवा यदि आरबीसी नष्ट होने लग गई तो उससे बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन, और वो बिलीरुबिन जो होता है वो बिलीरुबिन ही पीलिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो पीलिया बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसको आगे देखते हैं। खैर अपने पूरी डिटेल क्लियर की हुई है मैंने। इस प्रकार दूसरी संतान के आरएच पॉजिटिव होने पर उस संतान के आरएच प्रतिजन माता के एंटी आरएच प्रतिरक्षी, जिसे मैंने वाई से डिनोट किया है, से प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करने लग जाएंगे जिससे संतान के रक्त में आरबीसी का स्कंदन प्रारंभ हो जाएगा जिसे रुधिर लयनता कहते हैं, और इस स्थिति में संतान की मृत्यु तक हो सकती है। अथवा यदि संतान का जन्म भी हो जाता है तो वह संतान जीवित भी रहती है तो अत्यंत कमजोर तथा हिपेटाइटिस यानी पीलिया रोग से ग्रसित होती है। अब क्यों होता है उसको पीलिया रोग, ये जो भयावह स्थितियां बनी, या तो संतान मृत हो सकती है या वो बहुत कमजोर और हिपेटाइटिस रोग से ग्रसित हो सकती है, इसी भयावह स्थिति को ही गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। अब देखें हम हिपेटाइटिस पीलिया रोग का मुख्य कारण रुधिर लयनता से आरबीसी का नष्ट होना है। आरबीसी के नष्ट होने से बिलीरुबिन बनता है जो हिपेटाइटिस रोग का कारण बनता है। तो यह गर्भ रक्ताणु कोरकता था जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आगे इसको देखें हम, गर्भ रक्ताणु कोरकता स्थिति से जन्मी संतानों का एक दृश्य अगर देखें हम तो ये संतानें गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग से जन्मी हुई हैं। तो आप देखें बहुत ही कमजोर तरह की संतानें कह दें, या आप ये मान लें कि अल्प जीवन जिएंगी ये, थोड़े समय में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग से ग्रसित है। इसमें ये जो बिलीरुबिन होता है ये इवन दैट दिमाग तक भी पहुंच जाता है। बिलीरुबिन जो होता है वो रक्त में तो होगा ही होगा, पीलिया तो बहुत ज़्यादा होगा, वो कई बार दिमाग में भी पहुंच जाता है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद वो मृत्यु का कारण बनता है। इसके अलावा इसके फेफड़े जो होते हैं वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते, श्वसन की दिक्कत रहती है, इसमें फेफड़े संकुचित रहते हैं इस केस के अंदर। तो ये कुछ स्थितियां रहती हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता में जो संतान की मृत्यु का कारण बन जाती हैं यदि वो संतान जन्म ले भी जाती है तो। पहली बात तो बहुत रेयर चांस है कि वो जन्म लेगी, यदि वो जन्म ले भी जाती है तो उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो ये एक दृश्य हमने देखा। अब आगे चले हम गर्भ रक्ताणु कोरकता स्थिति से बचने का उपाय, तो इससे बचने के लिए एक इंजेक्शन लगता है RH0 या RH0GAM, वो जीरो को ओ बोला हुआ है, रोहोगम का इंजेक्शन यहाँ लगता है। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति से बचने के लिए प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को RH इम्यूनोग्लोबिन या RH0, रोहो भी बोलते हैं, RHO भी पढ़ा जाता है इसको, या रोहोगम यानी RH0GAM का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, वो जो आरएच प्रतिरक्षी माँ के शरीर में बने हुए थे
वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और द्वितीय संतान पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो द्वितीय संतान भी बिल्कुल सामान्य होगी, क्योंकि आरएच जीरो या रो गम का जो इंजेक्शन लगता है उससे जो आरएच प्रतिरक्षी एंटी आरएच प्रतिरक्षी माँ के शरीर में बने थे वो नष्ट हो जाते हैं। जब वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर द्वितीय संतान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 24 घंटे के भीतर ये इंजेक्शन लगाना होता है, हालांकि कुछ बुक्स में 72 घंटे के भीतर भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें 24 घंटे के भीतर दिया हुआ है, तो हम राजस्थान बोर्ड की किताब को ही ऑथेंटिक मानते हुए इसको लिखेंगे। 24 घंटे के भीतर माता को आरएच इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन या आरएच जीरो रोहगम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे आरएच प्रतिरक्षी नष्ट हो जाते हैं और द्वितीय संतान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति को थोड़ा और क्लियर कर ले डायग्राम के थ्रू, गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति से बचने का उपाय। तो आप देख सकते हैं ये माता दिखाई हुई है, जिसके ये जो प्रतिरक्षी थे ये बने थे इसके अंदर प्रथम संतान से, ये फर्स्ट आरएच पॉजिटिव फिटस दिखाया हुआ है, जिसे माँ के शरीर में एंटी आरएच प्रतिरक्षी बनने शुरू हो गए हैं। और पहली संतान तो सामान्य हो जाती है, लेकिन वो संतान सामान्य होने के बाद माँ के शरीर में छोड़ जाती है एंटी आरएच प्रतिरक्षी। अब यदि द्वितीय संतान भी आरएच पॉजिटिव हो जाती है तो ये एंटी आरएच प्रतिरक्षी उसको मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरएच जीरो या रोहगम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन से क्या होता है, ये सारे प्रतिरक्षी जो होते हैं एंटी आरएच प्रतिरक्षी ये नष्ट हो जाते हैं और माँ के शरीर में कोई भी एंटी आरएच प्रतिरक्षी नहीं बचता। अब यदि द्वितीय संतान भी आरएच पॉजिटिव हो जाए तो उस पर फिर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था गर्भ रक्ताणु कोरकता और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में, प्रतिरक्षी वगैरह पूरा क्लियर करूंगा आपको कि क्या है प्रतिरक्षी और कैसे समझें उसको। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट जो भी रीट पटवार या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो फ़ायदा उठा सकें इस चीज़ का। बायोलॉजी बिल्कुल डायग्रामेटिक मेथड से मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।